डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, उसके अंदर हमारे सारी की सारी जितनी भी पूछी गई चीज़ें वो सारी की सारी मैट्रिस की टाइप के ऊपर है। तो मैट्रिसेस की टाइप के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे कि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर दो टाइप्स देखेंगे और फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जितनी भी और टाइप्स की रिमेनिंग है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की टाइप्स। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है, हमारे पास रो मैट्रिसेस, और सेकंड जो हमारे पास है वो कॉलम मैट्रिसेस। अब रो मैट्रिसेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। हमारे पास क्या है कि रोज सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या हो, सिर्फ रो हो, तो हम क्या कहेंगे उसे, हमारे पास रोज है, मतलब रो मैट्रिक्स है। अगर एग्जाम्पल देखें इसकी, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारे पास रो मैट्रिक्स में। अब हमारे पास रो क्या होती है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रो हमारे पास क्या होती है कि यहाँ पे वन और टू है, सिर्फ एक ही हमारे पास के रो है। तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, एक और दो। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये क्या होगा, वन क्रॉस टू का होगा। हमारे पास वन रो टू कॉलम्स। अगर एक और देखें इसकी एग्जांपल कोई भी, तो ये क्या होगा, हमारे पास वन सिंगल भी आ सकता है। तो ये भी इसकी एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल अगर देखें, सिर्फ हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है, तो रो मैट्रिक्स में क्या आता है, जीरो वन टू, ये भी आ सकते हैं। तो सिंगल हमारे पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रो कॉलम कोई ना हो, सिर्फ मतलब कॉलम कितने आ सकते हैं, वन टू थ्री, ये तीन कॉलम है और हमारे पास वन रो है। तो ये हमारे पास आ गए रो मैट्रिसेस। अब कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है, बिल्कुल सेम, यहाँ पे हमने रो की बात की है, तो अब यहाँ पे क्या बात करेंगे हम लोग कॉलम की। और कॉलम हमारे पास कोई मैट्रिसेस के अंदर कॉलम कौन से होते हैं, जो हमारे पास लैंडस्केप में होता है, वन टू एंड थ्री, ये हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। और रो कितनी है, वन टू एंड थ्री, तीन रोज होगी और वन कॉलम होगा। तो इसका क्या बनेगा, थ्री क्रॉस वन का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसी तरह क्या है, हमारे पास क्या हो कि सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो, तो कॉलम होगा, फॉर एग्जांपल कॉलम की एग्जांपल लेंगे, तो कॉलम की एग्जांपल क्या आ सकती है, वन थ्री टू, ये क्या आ सकती है, तो सिर्फ यहाँ पर आएगा, ये जो हमारे पास होता है ये सिर्फ एक कॉलम आएगा, दो रोज है, मतलब सिर्फ एक कॉलम हो हमारे पास, सेकेंड कॉलम हो, और ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होती है।